खबर हरदोई से है, जहां ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरीज के गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर व कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर ली है और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की मौत इलाज के चलते नहीं हुई है, बल्कि हार्ट अटैक के चलते हुई है, और जब तक मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वो किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेंगे। आनंद त्रिवेदी हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या मामले में अपडेट है? मामला शांत हुआ या इसी तरीके से गरमाया हुआ है? देखिए, आपको बता दें, ये हरदोई के सौसैया बेड का पूरा मामला है, जहां पर कल एक मरीज आया था जिसके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसकी उसको हार्ट अटैक आया था, उसके हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें, वहां पे जो उनके गुस्साए जो परिजन थे, उन्होंने डॉक्टरों के साथ कुछ हाथापाई कर दी। उसके बाद जब डॉक्टरों के साथ और फिर जो कर्मचारी उनको बचाने आए, उनके साथ भी मारपीट की। लेकिन मारपीट के बाद जब डॉक्टर आज बहुत आक्रोश में दिखे हैं, लेकिन वो अस्पताल में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सुबह से जो मरीज आ रहे थे, डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है अभी तक उनकी। लेकिन जो सीएमओ से जब उन्होंने डॉक्टरों ने शिकायत करी, तो सीएमओ साहब ने कहा है ये ट्रामा सेंटर जो है ये डायरेक्ट लखनऊ से मॉनिटरिंग होती है, सीएमओ साहब के अंडर में नहीं आता है, इसलिए सीएमओ साहब ने कहा है कि आप सीधा एसपी से मिलिए जाके, पुलिस अधीक्षक हरदोई से मिलिए जाके। लेकिन उनको डॉक्टरों का कहना है, हम अभी तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक कोई पुलिसकर्मी उनके हड़ताल पे ट्रामा सेंटर नहीं पहुंचता है और उनकी फरियाद नहीं सुनता है। हालांकि एप्लीकेशन दे दी गई है, एफआईआर के आदेश भी हो गए, पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर के आदेश भी कर दिया है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों का कहना है कि जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आनंद? देखिए, अभी अभी एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन अभी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। लगभग उनके साथ 7 से 8 लोग थे जो मारपीट करने में, जिस तरीके से आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि मारपीट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की बात होगी कि जो लोग मरीज आते हैं तो पहले कहीं जो मरीजों का कहना है, जो उनके साथ जो मृतक है उनके परिजन है, उनका कहना है कि पहले डॉक्टरों की कुछ लापरवाही रही है, उसके बाद में जब वो उनकी डेथ हो गई तब वो सेवादार उनके आक्रोशित हुए, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है। तो क्या ये पहला वाकया इस अस्पताल से निकल के सामने आया है या पहले भी इस तरीके की मुसीबत हो चुकी है अस्पताल में? अगर 100 बेड की बात करते हैं, 100 बेड से तो ये ऐसा मामला ये पहला आया, लेकिन हरदोई के मेडिकल कॉलेज में लगातार ऐसे मामले होते रहते हैं, रोजाना एक ना एक मरीज की जान जाती ही रहती है, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पे सुन नजर आता। यानी कि अस्पताल के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स हुई है? जी हाँ, कई बार हो चुकी है, कंप्लेने तो हो चुकी है, क्योंकि मरीज आता है ठीक से, डॉक्टर कभी मौके पर नहीं होता है, कंपाउंडर उसका ट्रीटमेंट करते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो डॉक्टरों की भी है। लेकिन अगर माना जाए ठीक से अगर ट्रीटमेंट होता है तो मरीज नहीं मरता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। फिर भी डॉक्टर बिल्कुल, अब देखना होगा मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारियों के लिए।